ये स्पिनच रोल खाने में इतने क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। स्पिनच रोल बहुत इजी स्नैक्स हैं। इनको बनाने के लिए पहले हमें कुछ पालक के पत्ते चाहिए और बेसन और नमक मिर्च ये वो थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं पालक के रोल। 2 चम्मच हम बेसन लेंगे, उसमें 1/4 स्पून डालेंगे मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक बहुत कम पड़ता है बिकॉज पालक जो है वो खुद ही बड़ी नमकीन होती है। तो इसके अलावा हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर और ज़रा सी डाल लेते हैं हल्दी फॉर कलर ओनली। इसको टाइट वाला जो डो है वो बनाएंगे, डो जैसा बनाएंगे, ज़्यादा वो लिक्विड नहीं करना। इसको ऐसे ऐसे करके तो बना लेना, ज़रा सा 2 बूंद पानी की और पड़ेंगी। ये देखिए ये हमारा डो जो है लिक्विड वो तैयार हो गया। तो अब इसको हम लगाते हैं पालक में। पहले पत्ता लें, उसमें ऐसे करके इसको स्प्रेड कर लें। ये हाथ से ही ठीक तरह स्प्रेड होता है, अगर हम चाहें नाइफ वगैरह से तो पत्ता कटने का डर होता है। तो अब हम नेक्स्ट वाला ले लेंगे। नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही करके ऐसे दिस वे। तो नेक्स्ट वाले में भी यूं ही और फिर फोर्थ। हम नरम हाथों से गोल बनाकर ऐसे ऐसे एक रोल बन जाएगा। बहुत अच्छे वाला रोल बन गया। इसको आप 2 पत्ते 3 पत्ते 4 पत्ते जैसे मर्जी जितने मर्जी ले सकते हैं, इसमें कोई नाप तोल वाली बात नहीं है। इसको हम ऐसे करके काट लेते हैं। अब ये जो बेसन है लिक्विड बचा हुआ जरा जरा सा इसमें लगा के तो इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और आप इसको आहिस्ता आंच पे ही पहले रख के तो इसमें डालते रहें। ये आपके इवनिंग स्नैक्स या जिस वक्त भी आप खाना चाहें, चाय कॉफ़ी या वैसे खा सकते हैं। अब ये देखिएगा तैयार हो गए हैं। 1 by 1 इनको निकाल लेते हैं। ये स्पिनच रोल खाने में इतने क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं और कई होटल्स में ये बहुत सर्व किए जाते हैं। आज हम अपने घर में बना के देखे हैं, आप भी बनाइए और खाइए।